टीएनएफ स्टाफ कर्मियों ने डीएम रामपुर को दिया ज्ञापन, सेवाएं बहाल करने की रखी मांग। रामपुर जिला अस्पताल टीएनएम के पद पर स्टाफ कर्मियों द्वारा सेवाएं समाप्त की जाने के मामले को लेकर आज सभी इकट्ठे होकर टीएनएम स्टाफ कर्मी रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां रामपुर डीएम को ज्ञापन दिया। डीएम ने आश्वासन दिया है कि आपको बताते चलें, सरकार द्वारा टीएनएफ स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसी दौरान इन्होंने धरने प्रदर्शन किया था, सरकार ने एक महीने का टाइम इनका और बढ़ा दिया था। अब देखना यही होगा कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है। आपका? मेरा नाम मुकेश यादव है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। 2015 से मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ। क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि हम लोगों को जॉब से जो है निकाला गया है, नोटिस दे दिया गया है प्रशासन द्वारा कि आप लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इसलिए हम लोग जिन साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, और सीएमओ सीएमएस से भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन अभी कोई लिखित हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया है, और प्रशासन से भी हम यही मांग कर रहे हैं, और सरकार से भी हम लोग अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर ही। तो इससे परिवार पे भी असर पड़ा है? बिल्कुल, परिवार पे भी असर पड़ेगा। हम लोगों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो हमारा परिवार भी मानसिक रूप से परेशानी ही है। कितने लोग हैं? हम लोग 80 लोग हैं यहाँ पर पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामपुर। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम मुकेश यादव है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ, और हम लोगों को जो है 1 दिसंबर से सरकार ने नोटिस दे दिया है बाहर जाने का, और हम लोग जो है अभी काम करने के लिए साइन भी नहीं हमसे कराए जा रहे हैं, और हम लोग सभी बाहर बैठे हैं। अभी हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी न किसी कंपनी से या जो भी सीएमओ सर से बात करके आप लोगों को बताऊंगा, जैसा भी रहेगा। डीएम साहब से दोबारा उनके मिलने, परसों भी आप मिले थे? परसों भी मिले थे, तभी भी सर से बात ठीक से नहीं हो पाई थी, तो सर ने कहा था चलिए मैं कोई ना कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए करता हूँ, अगर जो भी सीएमओ सीएमएस से। अब भी उन्होंने यही बोला है। अब आश्वासन क्या दिया उन्होंने? सर ने आश्वासन यही दिया है, उन्होंने कहा है कि कोई कंपनी में किसी एमडी वगैरह सर से बाहर एमडी से किसी से बात करूंगा सर, उसके बाद ही बता पाऊंगा क्या है क्या सर। अगर आपको जो है आश्वासन देने के बाद में आपको जो है नहीं संतुष्टि मिलती तो आप क्या करेंगे? बाकी हम लोग अब धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, और बाकी लखनऊ हम लोगों को 10 तारीख में विशाल धरना प्रदर्शन है। 5,000 से 7,000 कर्मचारी हैं, और हम सब लोग विशाल धरना में लखनऊ पहुँचेंगे। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया, तो हमारी एक ही मांग है कि हम लोगों को विभाग में समायोजन किया जाए। पुलिस स्टेशन।